दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो आर्टिफिशियल प्लांट होते हैं वो हमें प्रसन्नता नहीं देते हैं, लेकिन वही प्राकृतिक पुष्प कितना आनंद दे देता है। ऐसा ही एक प्राकृतिक पुष्प है गेंदे का, जिसे आप लोग अपने घर आंगन में शोभा बढ़ाने के लिए उगाते हैं और मंदिरों में इस फूल को चढ़ाते भी हैं। आप लोगों को मैं आज इस वीडियो में गेंदे के फूल के औषधीय गुणों के बारे में बताऊंगा, किन किन रोगों में इसका उपयोग कितनी मात्रा में करना है इसके बारे में मैं पूरी जानकारी दूंगा, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहें। गेंदे का फूल और जो पौधा होता है वो कई बीमारियों में काम आता है। हम इसके पुष्पों का उपयोग तभी कर सकते हैं जब हम इसके गुणों के बारे में जानेंगे, साथ साथ इनकी मात्रा और सेवन करने का सही समय भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। गेंदे को अन्य कई नामों से जानते हैं। इसे अफ्रीकन मेरीगोल्ड के नाम से जाना जाता है और इसका बॉटनिकल नेम होता है टैगेटस इरेक्टा। इसे गुजराती में गलगोटो कहते हैं और मराठी में इसे झेंडू के नाम से बुलाते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने गेंदे के जो फूल का उपयोग किया है वो पूजा पाठ में उपयोग किया होगा, लेकिन मैं आप लोगों को इसके औषधीय गुण बताता हूँ। इसका पहला प्रयोग हम इसकी पत्तियों का करेंगे। इसके पत्तों को पीस कर या चबा करके आप थोड़ी देर तक अगर मुख में रखते हैं और उसे बाद में बाहर निकाल देते हैं, तो इससे आपके मसूड़ों में अगर कुछ भी प्रॉब्लम है या मसूड़ों में सूजन है या गम्स की समस्या है तो वो सब दूर हो जाता है। जितने भी मुख के रोग हैं वो सब ठीक हो जाते हैं। मुख के रोगों के लिए यह एक अचूक औषधि है। दूसरा जो इसका सबसे अच्छा गुण है वो है मुंह के छालों के लिए। जब मुंह में छाले हो जाते हैं तब भी हम इसके पत्तों का उपयोग करके उसे ठीक कर सकते हैं। जब इंसान को मुंह में छाले हो जाते हैं तो उसे खाना खाने में बहुत परेशानी होती है। इस परेशानी को दूर करने के लिए गेंदे के पत्तों को चबा करके मुख में चारों तरफ घुमाएं। आप देखेंगे कि आपके मुख के छाले की जो समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी। यह पौधा हानिकारक नहीं होता है। अगर आप इसे निगल भी लेते हैं तो ये पौधा जहरीला नहीं होता है, जिससे आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। और अगर हम इसके औषधीय गुणों के बारे में बात करें तो यह दांतों की चमक के लिए बहुत अच्छी औषधि है। इसके पत्तों का रस निकालकर उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर और सरसों का तेल थोड़ा सा मिलाकर और हल्दी, ये तीन चीज़ें मिलाकर यदि आप मंजन करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जो दांत होते हैं वो बहुत ही अच्छे हो जाएंगे और दांतों में चमक बढ़ जाएगी और उसकी मजबूती भी बढ़ जाएगी। लिगोरिया में इसका उपयोग हम इस तरीके से कर सकते हैं कि हमें एक फूल लेना है और उसका जो बीज वाला भाग है उसे निकाल देना है और जो ऊपर का पीले कलर का जो भाग होता है उसे हमें लेना है और थोड़ा सा पानी में मिलाकर 10 ग्राम के करीब 2-3 चम्मच इसका रस बना लें और थोड़ा मिश्री मिला करके प्रातः और सायं इसका सेवन करें। इसके सेवन करने से आप देखेंगे कि लिकोरिया की जो समस्या होती है वो भी ठीक हो जाएगी। रक्त प्रदर्द जो होता है या श्वेत प्रदर्द होता है वो भी ठीक हो जाएगा। शरीर में अगर कहीं घाव हो गया है तो घाव को जल्दी ठीक करने के लिए हमें गेंदे के पत्तों को और पुष्प को उबालना है और उबालने के बाद घाव वाले स्थान को धोना है। घाव वाले स्थान को धोने से ही वहाँ का जो सूजन है और जो घाव में से दर्द होता है वो ठीक हो जाएगा। दोस्तों, यह पुष्प आसानी से हर जगह देखने को मिल जाता है। सभी लोग घर आंगन में अपने इस पुष्प को लगाते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद और जड़ी बूटी से संबंधित वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई औषधि के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।